हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निशा दुबे, SMS टीचर इन कृष्णा पब्लिक स्कूल। यस्टरडे आई इंट्रोड्यूस द चैप्टर नंबर 4, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नाउ टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4A। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? मुझे बेटा फैक्टर्स राइट करनी है जो नंबर्स गिवन है उनके। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? यू ऑल नो दैट फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जो नंबर हमें गिवन है जिससे डिवाइड हो जाता है वो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। देखिए ऑल द स्टूडेंट, नाउ वी सी पार्ट नंबर फर्स्ट। बेटा पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है हमें 44। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, 44 के सारे फैक्टर्स राइट करने हैं। देखिए ऑल द स्टूडेंट, तो बेटा मैं चेक करूँगी वन बाई वन। तो बेटा वन जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। टू वन जा टू होता है बेटा, 3 1 3 होता है, 4 1 4 होता है। ओके, तो वही मतलब वन सभी नंबर्स का हमारा क्या होता है, फैक्टर होता है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब जैसे मैं 44 की मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो क्या आएगा, 44 ही आएगा। मींस 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो 44 का फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 1 ही हो जाएगा। अब बेटा मैं देखूंगी 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बेटा मैं क्या करूँगी, 2 से 44 को डिवाइड करूँगी। स्टूडेंट तो बेटा क्या होगा, 2 2 जा 4, फिर बेटा 4 में 4 गया, 0 आ गया। अब 4 में नोट डाउन कर दूंगी, फिर बेटा क्या होगा, 2 2 जा 4। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा मेरा आंसर क्या गया, 0। बेटा फैक्टर वही नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। अब देखो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है 44 का। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगी 44 को। तो बेटा आप क्या करेंगे, 3 1 जा 3। अब बेटा 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 1। फिर मैंने 4 ऊपर से नोट डाउन कर दिया, तो बेटा क्या होता है, 3 4 जा 12 होता है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। और बेटा 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा रिमाइंडर बच गया, मीन्स ये फैक्टर नहीं है 44 का। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? क्या 3 हमारा फैक्टर नहीं है 44 का। ओके, अब क्या करूंगी बेटा, मैं 4 से डिवाइड करूंगी 44 को। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो 4 1 जा 4 होता है बेटा। ओके, तो 4 में से 4 गया, 0 आ गया। अब बेटा मैंने फिर 4 नोट कर दिया, फिर बेटा 4 1 जा 4 होता है, तो 4 में से 4 गया तो क्या गया, 0 आ गया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? मीन्स जो 4 है वो फैक्टर है मेरा 44 का। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ओके, अब बेटा क्या करूंगी मैं, 44 को 5 से डिवाइड करूंगी। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 44 को। ओके बेटा, तो 5 8 जा क्या होता है बेटा, 40 होता है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा जब हमारा 4 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। जब 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, बेटा 4 आ गया। तो मीन जो मेरा 5 है वो फैक्टर नहीं है 44 का। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, 6 से डिवाइड करके देखूँगी बेटा 44 को। तो बेटा मुझे पता है 6 7 जा क्या होता है, 42 होता है। तो बेटा जब हमारा 4 में 2 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। जब 4 में 4 गया तो 0 आएगा। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? रिमाइंडर क्या रह गया बेटा, मेरा 2 रह गया। मीन्स जो मेरा 6 है वो फैक्टर नहीं है 44 का। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, 7 से डिवाइड करके देखूँगी 44। तो बेटा 7 6 जा 42 होता है। तो बेटा जब हमारा 4 में से 2 गया तो क्या गया, 2 आ गया। 4 में से 4 गया तो 0 आ गया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या रह गया बेटा, 2 रह गया। मीन्स जो मेरा 7 है वो फैक्टर नहीं है 44 का। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, 8 से डिवाइड करके देखूँगी 44 को। तो बेटा 8 5 जा क्या होता है, 40 होता है। तो बेटा जब हमारा 4 में 0 जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। और जब बेटा 4 में से 4 गया तो क्या आएगा, 0। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, 4। मीन्स मेरा 8 भी फैक्टर नहीं है 44 का। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 9 से डिवाइड करके देखूँगी 44 को। तो बेटा 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा 4 में से 6 तो नहीं जा सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 4। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 14 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा।
इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा जी हमारा, 8 आ गया, मीन्स मेरा 9 भी फैक्टर नहीं है 44 का, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 10 से डिवाइड करके देखूँगी, तो बेटा 10 फोर से कितना होता है 40 होता है, तो बेटा मेरा क्या क्या 4 में 0 गया तो क्या गया 4 आ गया, और बेटा जब हमारा 4 में 4 जाएगा तो 0 आएगा, तो बेटा यहाँ पे भी क्या रहेगा मेरा रिमाइंडर 4, मीन्स जो मेरा 10 है वो भी फैक्टर नहीं है 44 का, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी यहाँ पे 11 से डिवाइड करके देखो, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? 11 से 44 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 11 फोर से कितना होता है 44 होता है, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा हमारा 4 में 4 गया तो क्या गया 0 आ गया, 4 में 4 गया तो 0 आ गया, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो 11 मेरा फैक्टर है 44 का, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम ऐसे ही 1 by 1 चेक करते रहे, फिर उसके बाद हम रीच कर गए बेटा 22 पे, तो 22 से जब मैंने 44 को डिवाइड किया तो 22 टू जा 44 होता है, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? 4 में से 4 गया तो क्या गया 0, 4 में से 4 गया तो बेटा क्या गया 0, मीन्स मेरा 22 फैक्टर है 44 का। अब क्या करेंगे बेटा 44 से डिवाइड करेंगे, तो 44 को हम डिवाइड करेंगे 44 से, तो 44 बन जा 44, 4 में से 4 गया तो क्या गया बेटा 0 आ गया, फिर बेटा 4 में से 4 गया तो 0 आ गया, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? मीन्स नेक्स्ट फैक्टर क्या है इसका 44 है, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा फैक्टर्स ऑफ 44 आर 1 2 4 11 22 44, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा 90 गिवन है, यहाँ पे भी बेटा हमें क्या करना है 90 के सारे फैक्टर्स राइट करने हैं, तो सबसे पहले हम बेटा 1 से डिवाइड करके देखेंगे, तो बेटा 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90 आ जाएगा, मीन्स अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 2 से डिवाइड करके देखूँगी 90 को, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 2 4 जाए कितना होता है 8, बेटा जब 9 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 1, 0 मैंने एज इट इज़ नोट कर दिया, तो 2 5 जाए कितना हो गया बेटा 10, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0, मीन्स 2 मेरा फैक्टर है 90 का, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा फिर मैंने किससे डिवाइड करके देखा 3 से डिवाइड करके देखा 90, तो बेटा क्या आएगा मेरा 3 3 जा 9 आ गया, ओके बेटा अब 9 में से 9 गया बेटा 0, अब मैंने ये वाला 0 बेटा एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया, बेटा जब हम एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं तो इसे क्वेश्चन में भी राइट कर देते हैं, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो हमारा आंसर क्या गया बेटा 30 आ गया, और रिमाइंडर क्या बच गया 0, तो मीन्स जो मेरा 3 है वो भी फैक्टर है 90 का, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम ऐसे ही 1 by 1 चेक करते रहेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तब भी बेटा ये डिवाइड करने पर क्या आएगा 45, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो मीन्स जो मेरा 5 है वो भी फैक्टर है 90 का, जो मेरा 6 है बेटा वो भी फैक्टर है 90 का, और बेटा 9 है वो भी फैक्टर है 90 का, क्योंकि 9 10 जाए तो 90 होता ही है, और बेटा 10 भी फैक्टर है 90 का, क्योंकि 10 9 जाए 90 होता है, 15 भी मेरा फैक्टर है बेटा 90 का, क्योंकि 15 6 जा 90 होता है, 18 भी बेटा मेरा फैक्टर है 90 का, 18 5 जा 90 होता है, और बेटा 30 भी फैक्टर है मेरा 90 का, क्योंकि बेटा 13 3 जा क्या होता है 90 होता है, अब बेटा 45 भी फैक्टर है मेरा 90 का, क्योंकि 45 2 जा क्या होता है बेटा 90 होता है, और 91 जा 90 होता है, तो मीन्स जो इसके फैक्टर है हमारे 90 के वो क्या है 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें क्या गिवन है बेटा, बेटा उसमें गिवन है मुझे 215, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो मींस इसका एक फैक्टर 1 तो है ही। अब बेटा मैंने चेक किया, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि बेटा 2 से डिविजिबल क्या होते हैं? इवन नंबर्स, जैसे 2 आए लास्ट में, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0 आए, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। अगर बेटा इनसे अलग नंबर आता है, जैसे 3 आए लास्ट में, वन डिजिट में, मतलब 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए या 1 आए, तो बेटा ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ओके? अब बेटा मैंने इसे चेक करा, क्या ये 3 से डिविजिबल है? बेटा ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है बेटा 3 7 जा 21 होता है, और 3 1 जा 3, मीन्स रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बच रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, और बेटा ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 के भी लास्ट में क्या आते हैं बेटा? इवन नंबर्स आते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा 4
जब फोर फोर टू जो क्या होता है एट, फोर थ्री जै ट्वेल्व, यहाँ पे क्या गया वन डिजिट वाले नंबर पे क्या गया बेटा इवन नंबर आ गया, और बेटा फोर फोर जो सिक्सटीन वहाँ पे भी क्या है सिक्स आ गया, मीन्स जो हमारा वंस पोजिशन वाला नंबर है वो इवन आएगा तो ही ये फोर का डिविजिबल होगा, तो मीन्स फोर इसका फैक्टर नहीं है। अब बेटा मैंने इसे कैसे करा बेटा, फाइव से डिवाइड करा, अब फाइव से ये डिविजिबल होगा क्योंकि बेटा इसके लास्ट में क्या आ रहा है फाइव आ रहा है, इज इट क्लियर द स्टूडेंट। तो बेटा हमने क्या कर देखा, फाइव फोर जा क्या होता है ट्वेंटी होता है बेटा, जब वन में से जीरो जाएगा तो क्या आएगा वन आएगा, और टू में से टू गया तो जीरो आ गया, वन ऊपर से नोट डाउन कर देंगे, इज इट क्लियर द स्टूडेंट। तो फाइव थ्री जा क्या होता है बेटा फिफ्टीन होता है, इज इट क्लियर द स्टूडेंट। बेटा फाइव में से फाइव गया क्या है जीरो आ गया, वन में से वन गया तो जीरो आ गया, मीन्स जो मेरा फाइव है वो फैक्टर है 215 का, इज इट क्लियर द स्टूडेंट। अब बेटा हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहे, कोई भी इसका फैक्टर नहीं मिला, लास्ट में हम रीच कर गए बेटा 43 पर, तो बेटा अब 43 भी क्या है इसका फैक्टर है। ओके बेटा, जब हम 43 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो हमारा आता है बेटा 215, इज इट क्लियर द स्टूडेंट। तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया बेटा 43 हो गया, और एक फैक्टर बेटा इसका 215 है ये। ओके बेटा, क्योंकि 215 बन जाए 215, इज इट क्लियर द स्टूडेंट। तो फैक्टर्स ऑफ 215 आर 1, 5, 43, 215, इज इट क्लियर द स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें दे रखा है हमें 339, फैक्टर्स ऑफ 339 आर क्या होंगे बेटा, ये 1 से डिविजिबल है एक तो बेटा ये, और एक बेटा ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रही है बेटा ऑड नंबर आ रहा है, 2 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है बेटा इवन नंबर्स आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 0, इधर क्यों ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मैंने ये देखा 3 से डिविजिबल है, यस 3 वन जा 3 आएगा बेटा, 3 वन जा 3 और 3 थ्री जा 9, तो ये 3 से बेटा हम कंटिन्यू चेक करते रहे, फिर लास्ट में हम रीच करके बेटा 113 पर, इधर क्यों ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा जब हम 113 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो मीन्स 113 इसका क्या है फैक्टर है। ओके, और बेटा एक फैक्टर फाइनल, वो फैक्टर क्या है बेटा 339, इज इट क्लियर द स्टूडेंट। तो बेटा फैक्टर्स ऑफ 339 आर 1, 3, 113 और 339, इज इट क्लियर द स्टूडेंट।